वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था, प्रिंस को पता चल जाता है कि उनका लिटिल पोटैटो और कोई नहीं ली चॉनसिंग ही है, और वो उसे काफ़ी मिस कर रहे होते हैं। वहीं ली चॉनसिंग के फादर ली चॉनसिंग से चाहते हैं कि वो प्रिंस को अपना दुश्मन मान ले और बदला लेने में अपने बाप की मदद करे। ली चॉनसिंग जानता है कि वो ये नहीं कर सकता, पर वो अपने फादर को भी इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि प्रिंस वहीं लेटे हुए हैं जहां पहले ली चॉनसिंग उन्हें लेकर आया था, जिसने उससे कहा था कि ये उसका सीक्रेट बेस है। प्रिंस वहीं लेटे होते हैं। वो सोच रहे थे कि यहां आकर शायद उन्हें थोड़ा सा कंफर्ट मिले और वो अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भूल पाए, पर ऐसा नहीं होता। उन्हें उस जगह ली चॉनसिंग की वही बात याद आती है। मैंने तुमसे कहा था मेरे पास अब भी 40 मिनट बचे हैं तुम्हारे, और वो आसमान की ओर देखते हैं। मैं तुम्हें ये सितारों भरा आसमान और ये नदी की ठंडी हवा गिफ्ट में देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी मदद करी थी। प्रिंस एकदम से उठते हैं, ली चॉनसिंग, पर वो उनका भ्रम था, उधर कोई नहीं था। वो मन में सोचते हैं उस रात हमें काफ़ी राहत मिली थी, पर वो इन सितारों भरे आसमान के लिए नहीं, ना ही इस नदी की हवाओं की वजह से, बल्कि हमें राहत इसीलिए मिली थी क्योंकि उस वक्त तुम हमारे साथ थे। और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो ऐसे ही रोते रोते सो जाते हैं। और उन्हें एक सपना आता है। उस सपने में वो पेड़ से सटकर सो रहे थे, तभी वो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं। उनकी आँख खुलती हैं और वो उस बच्चे को देखते हैं तो सोचते हैं, बच्चा ये कैसे, ये तो। और वो उस बच्चे की ओर गौर से देखते हैं। फिर वो बोलते हैं, लिटिल पोटैटो। छोटा ली चॉनसिंग बोलता है, हाँ तुम कौन हो और तुम कब आए? प्रिंस ली चॉनसिंग को देखकर खुश हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, ये हमारा सपना है। भले ही हम जानते हैं कि ये हमारा सपना है, पर फिर भी हम ली चॉनसिंग को देख सकते हैं, वो भी तब जब वो छोटा था। और वो ली चॉनसिंग के सर पर हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, बहुत समय बाद मिले लिटिल पोटैटो। ली चॉनसिंग बोलता है, लिटिल पोटैटो, मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम सी जेंग है और बाकी सब लोग मुझे शाओ जेंग बुलाते हैं। और वो मन में सोचते हैं, आह हम ली चॉनसिंग को लिटिल पोटैटो ही बुलाते थे, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो काफ़ी काला और गोलू मोलू सा था। हम जब भी उसे देखते हमारे दिमाग में लिटिल पोटैटो ही आता। और प्रिंस बोलते हैं, ओके शाओ जेंग, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? ली चॉनसिंग रोते हुए बोलता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, वो भी मुझे बिना बताए। और आपको पता है, ग्रैंडपा ने मुझे नया नाम दिया है, ली चॉनसिंग। मैं ये नाम उसे बताना चाहता था, पर मैं जब उसके पास गया उसकी फैमिली जा चुकी थी, और वो भी। प्रिंस मन में सोचते हैं, हमें याद है उस रात हम सो रहे थे, हमें नहीं पता था कि कब कोई हमें उठा के ले गया, लेकिन अगली सुबह जब हम उठे हमने देखा कि हम पैलेस में हैं। इसीलिए हम लिटिल पोटैटो को नहीं बता पाए थे कि हम जा रहे हैं। फिर प्रिंस बोलते हैं, कितना अजीब है, हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, हमारे भी बेस्ट फ्रेंड ने हमें छोड़ दिया बिना हमें गुड बाय करे। उसके पापा हमें कुछ खास पसंद नहीं करते और वो अपने पापा के साथ चला गया। ली चॉनसिंग रो रहा होता है, पर प्रिंस की ये बात सुनकर वो अपने रोने पर कंट्रोल करता है, और अपने आंसू पोंछने के बाद वो प्रिंस को कंसोल करने के लिए बोलता है, आपको पता है मैं इसीलिए रो रहा था क्योंकि वो मुझे बिना बताए चला गया। मैं दुखी था, नहीं दुखी हूँ क्योंकि अब मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सकता, पर मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो मुझे बता के जाता। उसी तरह आपको पता है आपके दोस्त की भी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो आपको बता नहीं पाया।
आप दुखी मत हुई है, उनकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो वो आपको जरूर बताते, क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। या फिर हो सकता है कि आपने मुझसे कहा कि उनके पापा आपको पसंद नहीं करते, तो हो सकता है ना कि वो अपने पापा के साथ इसीलिए गए हों ताकि वो उन्हें कन्विंस कर सकें कि आप अच्छे हैं, आपसे नफरत नहीं करनी चाहिए। प्रिंस, सच्ची वो इसीलिए गया था? ली चांसिंग बोलता है। हाँ, अगर मेरे डैड को मेरा लिटिल क्राइंग डम्पलिंग नहीं पसंद आता तो मैं भी ऐसा ही करता, और कुछ ऐसा करता कि मेरे डैड को वो पसंद आए। तो मुझे लगता है कि आपके दोस्त भी यही कर रहे हैं ताकि उनके पापा आपको पसंद कर सकें। प्रिंस उसकी ये बात सुनकर रोने लगते हैं और बोलते हैं, अच्छा। ली चांसिंग उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है, अरे आप बिल्कुल लिटिल क्राइंग डम्पलिंग की तरह हैं, वो भी बहुत जल्दी रो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं ताकि कोई भी दुखी ना रहे, ओके? चलिए हम कुछ खेलते हैं। और ली जॉनसन पेड़ से एक रस्सी बांध देता है और बोलता है, हमें ये रस्सी पकड़नी है और टार्जन की तरह स्विंग करना है, ठीक है? प्रिंस बोलते हैं, हाँ, पर ऐसा करके हम अजीब लगेंगे। तब तक ली जॉनसन रस्सी पकड़कर छलांग लगा देता है। प्रिंस चिल्लाते हैं, लिटिल पोटैटो। ली जॉनसन पानी में गिरता है और पानी में जाकर हंसने लगता है। वाह, पानी कितना ठंडा है, भैया आप भी आओ, बहुत मजा आ रहा है। प्रिंस उस रोप को पकड़ते हैं और मन में सोचते हैं, हमें करना चाहिए, वैसे भी ये सपना है, और वो भी टार्जन की तरह स्विंग करते हैं और ली जॉनसन की तरह ही पानी में गिरते हैं। छोटा ली जॉनसन जब प्रिंस की ओर देखता है तो उसे खुद का लिटिल क्राइंग डम्पलिंग याद आ रहा होता है और वो स्माइल करके प्रिंस पर पानी फेंक के बोलता है, भैया आप कितने डरपोक हैं, बिल्कुल लिटिल क्राइंग डम्पलिंग की तरह। प्रिंस बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम पर पानी फेंका। और वो भी ली जॉनसन की तरह खेलने लगते हैं और उस पर पानी डालने लगते हैं। ये लो अब मैं तुम्हें, ली जॉनसन, अब मैं आप पर फिर से पानी डालूंगा। प्रिंस, हम तुमसे नहीं डरते। और वो ऐसे ही खेल रहे होते हैं। खेलने के बाद वो दोनों ज़मीन पर लेट जाते हैं। ली जॉनसन बोलता है, भैया आप खुश हैं? प्रिंस, हाँ। ली जॉनसन बोलता है, ग्रैंडपा ने मुझे नया नाम दिया था, ली जॉनसन। ग्रैंडपा ने कहा था, जब तक ध्रुव तारा शिप को ये बताता रहेगा कि वो सही रास्ते चल रहा है कि नहीं, तो शिप जब भी रास्ता भूलेगी तो फिर ध्रुव तारा हमेशा उनकी मदद करेगा। इसीलिए आपको मेरा नाम याद रखना होगा ताकि आप मुझे ढूंढ सको। प्रिंस मन में सोचते हैं, लिटिल पोटैटो, हम तुम्हें पहले ही ढूंढ चुके हैं। और ली जॉनसन बोलता है, और हाँ, आपका दोस्त अब भी आपका इंतज़ार कर रहा होगा, तो उसे ज़्यादा इंतज़ार मत कराइए। प्रिंस पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा? छोटा ली जॉनसन प्रिंस के फोरहेड पर किस करता है, क्योंकि, और हमें बड़ा ली जॉनसन दिखाते हैं, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास है। और फिर प्रिंस का सपना टूटता है। प्रिंस को बार बार कोई बुला रहा होता है, योर हाइनेस उठिए। प्रिंस आँख खोल कर देखते हैं तो वो सेक्रेटरी यिन थी। योर हाइनेस, हवा बहुत तेज चल रही है, आपको ठंड लग जाएगी, इसीलिए चलिए चलते हैं। प्रिंस उठते हैं और सेक्रेटरी यिन से बोलते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें, जो गुनाह ली चाओशेंग और उसके 14 भाइयों ने करा था उस पर आप इन्वेस्टिगेट करें और 15 साल की सारी खबर हम तक पहुंचाएं। सेक्रेटरी यिन, हाँ ठीक है योर हाइनेस, मैं समझ गई। और वो उठकर जाने लगते हैं और मन में सोचते हैं, हमें सच पता लगाना है और ली चांसिंग के फादर को साबित करना है कि हम इस तरह के नहीं हैं, ली चॉनसन हमसे यही चाहता है।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।